इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मनहज नुक्ता यहां साबित हो रहा है, ये दो अहादीस जिससे एक ताल्लुक बिदअत से और अहले बिदअत से बड़ी सराहत से सामने आ रहा है। बिदअत भी काबिल नफरत है, अहले बिदअत भी काबिल नफरत है, न उससे मोहब्बत न इससे मोहब्बत। कोई वजह और कोई दलील ऐसी नहीं है जो अहले बिदअत के कुर्ब को जायज करार दे। कुछ कहते हैं इसमें दावती फायदा हो सकता है, कुछ कहते हैं इसमें सियासी फायदा हो सकता है। भाई ये दावती और सियासी फायदे अगर अहले बिदअत से मिलकर होते हैं तो ना वो दावत काबिल कबूल ना वो सियासत काबिल कबूल। जरूरी है कि ये काम वही लोग करें जो 100% दुरुस्त हो और सही हो और सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम युहिब्बूनहु। ईमान वालो, अगर तुम इस दीन से मुर्तद हो, इस दीन को छोड़ दो, अल्लाह बेपरवाह ज़ात है, अल्लाह दोबारा दीन को लाने पर और गालिब करने पर कादिर है। अल्लाह ताला क्या करेगा, बिकौमिन एक कौम पैदा करेगा, एक कौम पैदा करेगा। उस कौम की सिफात क्या होगी, युहिब्बुहुम वे युहिब्बूनहु, उस कौम को अल्लाह से मोहब्बत होगी और अल्लाह को उस कौम से मोहब्बत होगी। वो लोग दोबारा काम करेंगे इस्लाम की नशरत सानिया का, इस्लाम के गलबे का और इस्लाम के जहूर का, और वही कर सकेंगे और कोई नहीं कर सकेगा। सफ में तमहीज हो, तमहीज सफ का पाक होना जरूरी, ये सुन्नत इलाही है, सुन्नत इलाही है। जंगे बदर इस्लाम का पहला मार्का था, पहला मार्का, मुसलमान 313 कुफार 1000, मुनाफिकीन साथ गए मगर साथ छोड़ के आ गए। ये तो कोई मुकाबले हैं, अक्सर मैदान जहाद में गए ही नहीं कि कहाँ वो लोग मुसल्ला वसायल हर्म से माला माल, और कहाँ यहाँ ना कोई सवारी, तलवार है तो वो एक आध है टूटी हुई, ढाल नहीं है, नेजे नहीं है, तीर नहीं है। फिर क्या हुआ, यौम बदर यौम फुरकान बन गया, अल्लाह ने गलबा दिया मुसलमानों को। 70 सनाजीद कुरैश मारे गए, 70 कैदी बने, इस्लाम गालिब आ गया। मुनाफिकीन जो साथ नहीं गए या साथ नहीं दिया, उन्होंने समझा यहां तो फतह ही फतह, तादाद कम हो, सवारियां नहीं हैं, वसाइल नहीं है, फिर भी कामयाब है, माना यहां फतह ही फतह। जंगे ओहद में अल्लाह की हिकमत, वो समझे कि अब हम जाया करेंगे, माल गनीमत समेटा करेंगे, बड़ा माल है यहां तो, फतह ही फतह है, कामयाबी ही कामयाबी। मगर जंगे बदर में इब्तदान कुछ नतज उलट हो गए, एक वक्ती तौर पर मुशरकीन को फतह हो गई और सहाबा शिकस्त का चेहरा उनको देखना पड़ा वक्ती तौर पर, बाद में पलटे, अल्लाह ने मैदान दिया, फतह हासिल हुई। अब मुनाफिकीन क्या देखते, नहीं यहां भी जूते पड़ सकते, यहां भी पिटाई हो सकती, मार हो सकती, कितनी शहादतें हुई, कितनी शहादतें। अब उन्होंने तय कर लिया कि हम ये जिहाद मुसलमानों के साथ हमारे बस की बात नहीं, हिकमत इलाही यही थी कि ठीक है तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम इस सब को पूरी तरह पाक देखना चाहते हैं, तुम जैसे मुनाफिकीन की जरूरत नहीं है। ये गलबा जो है इस्लाम का, इस्लाम का जहूर जो है, ये पकीदा लोगों का, इसमें इस तरह के लोग उनका तलवस ये काबिल कबूल नहीं। सफ का पाक होना जरूरी है, तमहीज जरूरी है, तमहीज, अहले हक अहले तौहीद जुदा हो जाए वही कामयाब। ये मिलावट अगर हो जाए ऐसे अनासर की जिनके बिदअत भी हो शिर्क भी हो, वो इस्लाम के काम आने वाले नहीं, कोई उनका फायदा नहीं,
और अल्लाह फरमा रहे अगर तुम सारे मुर्तद हो जाओ, सारे मुर्तद हो, मैं फिर भी अपने दीन को गालिब करने पर कादर हूं। कैसे? एक कौम के जरिए। वो कौम क्या करेगी? उस कौम के दो नुमाया वस्फ होंगे, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह को उस कौम से मोहब्बत होगी। वो लोग गलबे दीन का काम करेंगे। ये काम वही लोग करेंगे जो इस मोहब्बत से मामूर है। और दीनी एतबार से मोहब्बत जो है उसकी असास अल्लाह के रसूल की इताअत है। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो मेरी इत्तबा कर लो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। अल्लाह के नबी की इत्तबा अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का जरिया है। तो जिस कौम से हमने काम लेना है उस कौम का नुमाया वस्फ जो है वो मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। और ये मोहब्बत इसकी असास जो है अल्लाह के रसूल की इत्तबा है। माना गलबा दीन का काम, ज़हूर इस्लाम का काम अल्लाह जिस कौम से लेगा वो कौम पूरी तरह बड़े खालिस और मुखलिस होकर अल्लाह के पैगंबर के मुत्तबे होंगे और आपकी सुन्नत के पैरोकार होंगे। ये बात छोड़ दो फिर बिदअती से इल्हाक, बिदअती के करीब जाना, अपने स्टेजों पर दावत देना, ये दावत के लिए, दावत की कामयाबी के लिए, और इसमें सियासी कामयाबी, दीन ये चीज़ें नहीं जानते। दीन तो देखता कि खालिस मुखलिस बंदे कौन हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले कौन हैं और अल्लाह के रसूल की इत्तबा करने वाले कौन हैं। जिस कदर ये मोहब्बत शदीद होगी उसी कदर अहले बिदअत से नफरत भी शदीद होगी। और ये वो लोग हैं जो गलबा इस्लाम का काम कर सकते हैं, बाज़ तादाद से नहीं और न बाज़ वसाइल से। वसाइल अल्लाह ताला उसका मालिक, अल्लाह के लश्कर हम नहीं जानते। वक्त आने पर अल्लाह चाहे एक एक पानी के कतरे को अपना फौजी बना दे, नूह की कौम को खड़ा कर दिया। अल्लाह चाहे एक एक कंकरी को अपना फौजी बना दे, अबरा के हाथी छोटी छोटी कंकरियों से बर्बाद हो गए, अल्लाह के लश्कर एक चीख अल्लाह मुसल्लत कर दे और कौमों को कलेजे फाड़ दे, कोई नहीं जानता। अल्लाह अपने बंदों की मदद कर, सहाबा की मदद की 5000 फरिश्तों के साथ, और बाद ऐसे मानवीय मुंह सहाबा की मदद की। मसल मैदान जहाद में सफ़े बन चुकी हैं, सामने मुशरक हैं, इधर मुसलमान। अल्लाह ने मुसलमानों पर नींद मुसल्लत कर दी, नींद। अब लड़ाई सामने हो कौन सोता है? मुशरकीन देख रहे हैं ये कैसी कौम है, तादाद में थोड़े, वसाइल में कम, और ये सो रहे हैं, इनको कोई डर ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। सहाबा कहते तलवार हमारे हाथ से गिरती फिर उठा लेते, फिर गिरती फिर उठा लेते। नींद भी अल्लाह चाहे तो अल्लाह के फौजी के तौर पर किरदार अदा कर सकते। मुशरकीन घबरा गए, उनके दिल में हैबत तारी हो गई कि इनके पास वसाइल नहीं है, तादाद नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं, सो रहे, इनको नींद आ रही। अल्लाह ने नींद को भी इस्लाम के गलबे का जरिया बना दिया और बहुत से मसाइल अल्लाह ने दिखाए अपनी कुदरत के। तो अल्लाह इन चीज़ों का मोहताज नहीं, अल्लाह ये देखता है मेरे वाले कौन हैं, मुझसे मुखलिस कौन है, मेरे नबी की इत्तबा करने वाले कौन हैं और नबी के पैरोकार कौन हैं, अल्लाह ही उमूर दे। इन हदीस के मुकाबले में कुछ और हदीस भी, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ला तुसाहिब इल्ला मुमिन, मत दोस्ती करो मगर मोमिन से, मोमिन साहिब ईमान, ईमान बिल्ला और ईमान बिल रसूल, ईमान बिल्ला की तकमील तौहीद के साथ और ईमान बिल रसूल की तकमील इत्तिबा के साथ। मत दोस्ती करो मगर मोमिन से, बला याकुलु तआमक इल्ला तकिया, और ना खाए तुम्हारा खाना मगर परहेजगार इंसान, मुत्तकी मोमिन इंसान। ये खाना मोहब्बत का खाना और ये सोहबत का खाना, एक ज़ियाफ़त का खाना है, कोई शादी ब्याह की तकरीब है, आप बुला रहे हैं सब, इसमें शर्त नहीं है ईमान की, दोस्त अहबाब आ रहे हैं उनको खिलाओ, उनका इकराम करो, लेकिन वो ताम जो ताम मोहब्बत है, ये ताम सोहबत है मोमिन को, ताकि एक कमरे की छत के नीचे मोमिन मिलकर बैठे, मोहदीन मिलकर बैठे। ये हदीस मजीद इन दोनों की तकवीयत का बायस है।